हरियाणा के गुरुग्राम से 1400 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टीकमगढ़ पहुंची। इस दौरान प्रशासन मुस्तैद रहा, सभी की स्क्रीनिंग के साथ भोजन की व्यवस्था की गई। हरियाणा से आए 1400 मजदूर मध्य प्रदेश के 12 जिलों के रहने वाले हैं। बाहर से आए सभी श्रमिकों का पहले हेल्थ चेकअप किया गया और फिर सभी के भोजन की व्यवस्था की गई। मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानियों को बताया। मजदूरों ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने खाने पीने के कोई इंतजाम नहीं किए थे, अगर कुछ दिन और वहां रुकते तो शायद जिंदा रह पाना संभव नहीं होता। श्रमिक ट्रेन पहुंचते ही प्रशासन ने लगभग 32 बसों से सभी मजदूरों को उनके गृह जिले में भेजने की व्यवस्था की। इस दौरान प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती। आज जो पहला ट्रेन है वो हरियाणा गुड़गांव से चल के टीकमगढ़ पहुंचा है। इसमें करीब 1400 हमारे श्रमिक बंधु हैं, जिसमें अन्य जिलों के भी लोग हैं। टीकमगढ़ के अलावा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है छतरपुर के, दमोह के, पन्ना के और सागर के लोग भी इस ट्रेन में सवार होकर हमारी जिले में पहुँचे हैं, जिनको हम लोगों ने फिर भोजन की व्यवस्था के साथ, पानी की व्यवस्था के साथ में हम इनको उनकी कंसर्न जो जिले हैं वहाँ पे हम अभी रवाना करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आए जितने भी मजदूर हैं उन सबका हम मेडिकल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखेंगे यहाँ पर, और पूरी मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस यहाँ पे जो परमिशंस के साथ में पूरी डिटेलिंग करने के बाद हम उनको रेस्पेक्टिव जिलों में उनकी रवानगी करेंगे। कल सुबह भी 5:15 हमारे पास दूसरी ट्रेन हरियाणा से रोहतक जिले से पहुँचेगी, जिसमें भी अन्य जिलों के भी लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में छतरपुर की लोग हैं और हमारे उसके बाद सेकेंड नंबर पे लोग हैं। इनको भी उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने की व्यवस्था, बसों में बेसिक पानी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था के साथ में इनकी जो कंसर्न जिले हैं उसमें हम रवानगी करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।